जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भगवान भोलेनाथ का जन्मदिन है, जिसे हम सब महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कुछ ऐसी लर्निंग जो भगवान शिव के जीवन से आप सीख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को देवों का देव महादेव कहा जाता है, कोई इन्हें शंकर तो कोई नीलकंठ के नाम से जानता है। भगवान शिव को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि वो भोलेनाथ हैं तो फिर उनका गुस्सा भी कम नहीं है। बचपन से आप सुनते आए होंगे कि वह अपने गुस्से से पल भर से सृष्टि का नाश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में भगवान शिव के जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उनके हर एक चीज में जो यूनिकनेस है वो उनको बहुत खास बनाती है। उनके जीवन से कुछ सीख मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली सीख है कि कभी बुराई या ना इंसाफी को बर्दाश्त ना करिए। दोस्तों देखिए, भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा और बुराई के प्रतीक राक्षसों का नाश किया। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में हर बुराई के खिलाफ लड़े और होने वाले हर अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाए। दूसरी चीज जो आप सीख सकते हैं भगवान भोलेनाथ से, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल सफलता की कुंजी है। कहते हैं दोस्तों कि एक अनियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप कोई युद्ध या लड़ाई जीत नहीं सकते। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भगवान भोलेनाथ के बारे में। भगवान भोलेनाथ हमेशा से ही मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि जिससे वो अपने खुद पर कंट्रोल कर सके। चौथी चीज जो है, शांत चित्र होकर आगे बढ़े। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं क्योंकि वे घंटों तक इस ब्रह्मांड को सुखी रखने के लिए तप किया करते थे। भगवान शिव का यह गुण आप भी सीख सकते हैं। यदि आपका दिमाग शांत है तो फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर रणनीति होती है। पांचवा लेसन जो भगवान शिव से आप सीखते हैं कि कभी भी मटेरियलिस्टिक यानी भौतिक चीजों के पीछे ना भागे। आपने देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा ही धन और संपदा से दूर रहे। उनके पास दो ही चीज रहती थी, एक डमरू और त्रिशूल। वह आपको सिखा सकते हैं कि यदि आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे तो फिर कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाएंगे। अगली लर्निंग जो हम सब सीखते हैं, नकारात्मक माहौल को हावी मत होने दो। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसे अपने कंठ में रख लिया था, अपने गले में रख लिया था। और इस घटना से भगवान शिव ने दुनिया को हमेशा सकारात्मक रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि नकारात्मक माहौल या कोई घटना हमें सिर्फ कमजोर कर सकती है। फिर अगली चीज उन्होंने बताया कि हमें कमिटमेंट रखना जरूरी है, लेकिन जुनून, किसी भी चीज का जुनून, मटेरियलिस्टिक चीजों का जुनून हमें विनाश की ओर लेकर जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज दुनिया वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो कि पुराने जमाने से ही अपनी वाइफ का सम्मान करते आ रहे हैं और इसीलिए उन्हें अर्ध नारीश्वर भी कहते हैं, जिनमें आधा हिस्सा उनकी पत्नी का है। उन्होंने हमेशा माता पार्वती को सम्मान के साथ रखा और उनका हमेशा ध्यान रखना। पार्वती उनकी शक्ति थी। दोस्तों अगली चीज जो सीखते हैं कि अपने घमंड को काबू रखें। आपका घमंड कभी कभी आपके लक्ष्यों को हासिल नहीं करने देता, आपके सपनों को चूर चूर करने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। कहते हैं भगवान शिव अगर हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे तो इसका मकसद था कि वह अपने घमंड को काबू रख सके। अगली चीज जो सीखेंगे, हर चीज कुछ क्षण के लिए। उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। वो एक महायोगी थे और महायोगी कभी मोह माया में नहीं पड़ते। वो इस बात को जानते थे कि जिंदगी सिर्फ कुछ पल की है और आज जो कुछ भी है वह कल कभी मौजूद नहीं रहेगा। जिंदगी में बदलाव आते हैं और हमें भी उन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए।
एंड शिव जी जिंदगी में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए डमरू लेकर चलते थे और डांस करते थे। आप ये भी सीख सकते हैं कि बाहरी चीजों से आपको दूर रहना है। और एक बहुत बढ़िया बात भगवान भोलेनाथ की जिंदगी से हम सब सीखते हैं, वो ये है कि हम कोई भी डिसीजन तुरंत लें, डिसीजन लेने में देरी नहीं करते थे। भगवान शिव का जो सौम्य रूप है फलादी इरादे, भगवान शिव को रुद्र और भगवानों का भगवान कहा जाता है। इसका एक कारण है कि एक बार जो वो ठान लेते थे उसको कर ही मानते थे, वो उनका खुद पर नियंत्रण ही था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भगवान शिव को विनाश का देवता भी कहा जाता है, कहा जाता है पुराने और दूषित हो चुके विचारों के विनाश से ही नए क्रांतिकारी विचारों का सृजन संभव है। विचार के स्तर पर खुद को बदलने का संदेश देता है भगवान भोलेनाथ का चरित्र। आप सबको फिर से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें। इन्हीं संदेश के साथ सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज